हमारी आज की मेहमान उनके आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे हंसी और वो समझते हैं कि बीमार का हाल और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आज बीमार का हाल अच्छा है। 80 की दिहाई से पाकिस्तानी टीवी की जीनत बनी हुई है। मॉडलिंग से शुरुआत की, अदाकारी की तो ऐसी की ऐसी की ऐसी की कि बड़े बड़े अदाकार सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कौन सा नया और नेचुरल तरीका है अदाकारी करने का। इनके नेचुरल होने पे जोरदार तालियां। आज सिर्फ अदाकारा नहीं, एक जीता जागता हुस्न भी यहां मौजूद है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो लोग ये कहते हैं कि आपने अपने हुस्न को बड़ा संभाल के रखा है। अगर 100 में से 80% भी बच जाए तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ी बात है। लेकिन ये वो हुस्न है, जैसे जैसे वक्त गुजरा 100 से 120 पर आ गया। आप लोगों की ढेर सारी तालियों में शगुफ्ता लहजे वाली, शगुफ्ता रूह वाली, शगुफ्ता जाजी आइए। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट। मजाक रात की तरफ से, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, हमारी पूरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से, आप हमारी इंडस्ट्री की सिर्फ अदाकारा नहीं, हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरत महक हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बुके इसलिए छोटा जे लिया कि तुसी केड़ा अगे वेचना है। ए तुसी जितनी मनाना इहो जिहा मुंडा ईदल दे नवा सूट पा लेना ते कोई गौर ना वेखना है। नहीं है भाई, थोड़ी देर बाद ला देना। चश्मा दिखाइए चश्मा जचदा है, जचदा है सोने मुंडे। देखो कितना सोना चश्मा लगा। सरदार साहब ने 2.5 लाख का चश्मा लाया। अच्छा, ला के खंभे च बज गए और की। शगुफ्ता जी हमेशा ही प्यारी लगती हैं, ये कौन सी नई बात है, लेकिन आज चश्मा आपकी वजह से प्यारा लगने लगा है। लेकिन आपने शो में आते चश्मा क्यों लगाया? पता नहीं कुछ शोएं आ रही थी शोख रंगों की सामने। कबीले च लड़ाई हो गई सी मसला कराना। तुसी आपस ही सारे लड़दे क्यों? असल में चश्मा आपने मुझे देखने के लिए पहना था ना, कि कलर पह रहे ने जरा तसल्ली ना नजर नहीं आ रही। चश्मा नहीं सी, नजर कटाण दा चश्मा।